नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। डालो भूल के मिर्ची डाले हैं। होली व शबे बारात पर्व को लेकर थाना परिसर में शांतिपूर्ण समिति की बैठक। आइए देखते हैं युगापट्टी से विनोद ठाकुर की खास रिपोर्ट। युगापट्टी थाना परिसर में शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी व थानाध्यक्ष की उपस्थिति में होली व शबे बारात पर्व शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर एक बैठक हुई। बैठक का अध्यक्षता थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने किया। बैठक के दौरान वीडियो कनिष्क कुमार ने कहा कि होली को शांतिपूर्वक व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाना है। होली में किसी हाल में हुड़दंग नहीं हो, इसके लिए सभी प्रबुद्ध और जनप्रतिनिधि लोग ध्यान देंगे। अगर कोई भी इस तरह का कार्य करता है तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। सीओ प्रियव्रत कुमार ने कहा कि शांति भंग हुई या सांप्रदायिक गाने बाजे बजाते जो पकड़ा जाएगा उस पर, अमित कुमार ने लोगों से अपील की है, जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई तय है। वहीं थानाध्यक्ष अमित कुमार ने कहा, लोगों से अपील की है कि रंग गुलाल और मिठास का ये पर्व आपसी प्रेम का प्रतीक है, सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाकर इसका आनंद लें। उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर पुलिस शराब और शराब धंधेबाज पर पैनी नज़र बनाए हुई है ताकि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाएं। अगर कहीं से भी कोई जगह शराब की सूचना मिलती है तो इसकी जानकारी पुलिस को दे ताकि उस शराब के धंधेबाजों को गिरफ्तार कर उस पर नकेल कसी जा सके। बैठक में मुखिया, सरपंच, बीडीसी सदस्य सहित प्रखंड के दर्जनों प्रबुद्ध लोग रहे। होली में पुलिस की चौकसी रहेगी, हर मंचलों पर पुलिस की पैनी नज़र रहेगी।